हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट और टेस्टी सॉफ्ट क्रीमी डिश। इसका नाम है पनीर बटर मसाला। ये सबको बहुत पसंद आती है, जिसके लिए हमें चाहिए ये एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, 5 हमने मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं जिसे हमने इसे रफली चॉप करके लिया है, 200 ग्राम हमने पनीर लिया है, 100 ग्राम मैंने बटर लिया है, ये 3-4 चम्मच मैंने मलाई ली है, 15-20 हमने काजू लिए है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। 7-8 हमने लहसुन की कलियाँ ली है, 2 टेबलस्पून हम टोमेटो सॉस लेंगे, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जो हमें 1 टीस्पून को लगेगी। ग्रेवी हम मलाईदार बनाएंगे इसलिए दूध के साथ इसे बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पनीर बटर मसाला। गैस का फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर कढ़ाई रख लिया है हमने। अभी हम इसमें ये 2 हम बटर के क्यूब्स डालेंगे, और बटर जलना नहीं चाहिए इसलिए तुरंत ही इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे बटर में। बटर से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। प्याज को 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। तो ये 5 हमने मीडियम साइज के टोमेटो लिए हैं, ये इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही में इसमें हम ये 15-20 हमने काजू लिए हैं, ये भी ऐड करेंगे। अभी इसके साथ ही हम इसमें ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे, और इसके ऊपर ढक्कन रख के हम इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। टोमेटो को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में हमने इसे 1-2 बार हिला भी लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे टोमेटो प्याज सब अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसका ग्रेवी बनाने के लिए गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे मिक्सी के जार में से निकाल लेंगे। अभी हम ये सब मिक्सचर को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रेवी कितनी क्रीमी ऐसे ही लग रही है, पर तो भी हम इसे छाननी में से छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे छान लिया है, क्या बचा है आप खुद ही देख सकते हो, सिर्फ टोमेटो के छिलके दिख रहे हैं, बाकी कुछ भी बचा नहीं है। एकदम अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अगर आप इसे ऐसे छाननी से छानना नहीं चाहते हो तो आप टोमेटो का छिलका निकाल के इसे मसाले में डाल सकते हो, तो वो भी चलेगा। गैस का फ्लेम ऑन करके वापस से हमने ये 2-3 क्यूब्स बटर इसमें डाल लिया है। हम बटर में ही बनाने वाले हैं, बटर को ज़्यादा गर्म नहीं होने देंगे। हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें थोड़ा सा डालेंगे, ये 1 टीस्पून हमने लिया है, इसे अच्छे से इसके साथ में मिक्स कर लेते हैं बटर के साथ में, और फिर हम ये जो हमने मसाला मिक्सी में से ग्राइंड करके लिया है ये इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सॉफ्ट और क्रीमी लग रहा है हमारा मसाला। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अभी इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं, 4-5 मिनट हम इसे ढक के पकाते हैं। 4-5 मिनट हो चुके हैं हमें ढक के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला थोड़ा पक चुका है। अभी इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम ये 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डालेंगे,
टोमेटो सॉस से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक कसूरी मेथी है, इसे भी हम ऐसे हाथ पे क्रश करके डालेंगे। और ये क्रीम हम इसमें डाल रहे हैं, 3 चम्मच हम क्रीम डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्सी के जार में हमने जो दूध लिया था इसमें से आधा दूध हमने इसमें डाल लिया है, ये हम इसमें अभी मिक्स करेंगे। इससे हमारे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही क्रीमी ग्रेवी हमारी बनेगी। पनीर बटर की ग्रेवी थोड़ी सी मीठी होती है, इसलिए हम ये 1/2 टीस्पून इसमें शक्कर डालेंगे। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे वापस से 5-7 मिनट के लिए सभी मसालों को एक साथ पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेते हैं। पनीर डालने के बाद हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं, 2-3 मिनट के लिए ही सिर्फ हम गैस के ऊपर रखेंगे। अभी पनीर अच्छे से मिक्स कर लिया है तो हम ये गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच बटर इसमें ऐड कर लिया है और इसे इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखते हैं पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और ये ऊपर बटर है पूरा, ये देखिए तो कितना सॉफ्ट और क्रीमी लग रहा है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। इसको हम सर्व करते टाइम ऊपर से भी ऐसा बटर डालेंगे। ये हमारी पनीर बटर मसाला रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कॉमेंट्स में मुझे लिख के भेजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।